मैं कराची यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 15 जून 2023, आप देख सकते हैं इस वक्त काले समंदर पर क्या सूरत हाल है, और आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि समंदर इस वक्त कितना तेज़ है। दारा इस वक्त समंदर के पास आने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिंध पुलिस के जवान, सिंध रेंजर्स के जवान, पाकिस्तान आर्मी के जवान, DHA के जवान इस वक्त मौजूद हैं और लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि ये तमाम अफराद, तमाम इदारे आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए इस वक्त मौजूद हैं ना। अल्लाह न करे किसी किस्म का सानिया पेश ना आ जाए, इस वजह से वो अपनी जानें ख़तरे में डाल के इस वक्त आप लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो खुदा रहा इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान की किसी भी सैली मकाम पर ना जाए, क्योंकि समंदर बहुत तेज़ है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज किसी भी वक्त बेरा अरब में जो समंदरी तूफ़ान है वो इंडिया और सिंध के इलाकों से टकरा सकता है, जिसमें ख़ास तौर पर केटी बंदर और बदीन के इलाके जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं उन सैली मकामात पर टकरा सकता है। तो खुदा रहा आप अपने और अपने घर वालों की हिफाजत करें, और खुदा रहा सैली समंदर पर आने से गुरेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान यहाँ पर इस वक्त भी ड्यूटियों पर मौजूद हैं, और वो लगे हुए हैं कि खुदा रहा आप लोग की जानो माल की हिफाजत कर सकें। तो खुदा रहा आप लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करें और सैले समंदर पर इस वक्त ना आए। माई कराची यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपको हम मज़ीद अपडेट भी